गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। विद दिस मोटिवेशनल थॉट आई वेलकम वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो डैट आपको आगे आने वाली वीडियोज की भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। टुडे वी आर स्टडिंग क्लास 7 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6A। सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड बेटा, फोकस ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। बेटा हमको क्या करना है? दिए गए एक्सप्रेशंस को क्या करना है? ऐड। ऐड मतलब बेटा हमें क्या करना है? प्लस। तो बेटा हम क्या करेंगे, आपको जहां भी दिख रहा है कोमा वहां लगा दो प्लस, उसके बाद क्या लगाना है आपको? ब्रैकेट, अगेन कोमा की जगह प्लस, फिर क्या लगाना है आपको? ब्रैकेट माइनस का 6x। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट स्टेप हम ओपन करेंगे ब्रैकेट, प्लस इनटू प्लस प्लस हाउ मच 7x, प्लस इनटू माइनस माइनस हाउ मच 6x। क्लियर है? 7 और 5 12 12 में से 6 गया 6x। दिस इज द आंसर। क्लियर है बेटा? फोकस सेकेंड पार्ट 3x/5। क्या बताया बेटा? कोमा की जगह प्लस, फिर क्या लगाएंगे? ब्रैकेट। क्लियर है? कोमा की जगह प्लस, फिर क्या लगाएंगे? ब्रैकेट। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, प्लस इनटू प्लस प्लस 2x/3, प्लस इनटू माइनस माइनस 4x/5। नेक्स्ट स्टेप बेटा क्या लेंगे, एलसीएम 5 3 5। बेटा एलसीएम कितना आएगा? 15। 5 3 15। क्लियर है? 5 3 15, 3 3 9, 3 5 15, 2 5 10, 5 3 15, 4 3 12। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट स्टेप 10 और 9 हाउ मच? 19 माइनस 12 अपॉन 15। बेटा 19 में से 12 गया हाउ मच? 7x। ओके बेटा, बड़ा कौन है? प्लस का। तो आंसर किसका आएगा? प्लस का। सो दिस इज द आंसर। क्लियर है बेटा? आई पास ऑन में फोकस फिफ्थ पार्ट। बेटा आपको कुछ पार्ट मैं करवा रहा हूँ, आपको बाकी के पार्ट्स खुद करने हैं फॉर योर सेल्फ प्रैक्टिस, ताकि आपकी भी कुछ प्रैक्टिस हो सके। क्लियर है? फोकस दिस इज द फिफ्थ पार्ट। बेटा हमें क्या करना है, कोमा की जगह प्लस, फिर क्या लगाया हमने? ब्रैकेट। कोमा की जगह प्लस, फिर क्या लगाया हमने? ब्रैकेट। अब बेटा सोल्व करेंगे, x-3y+4z। पहले वाला ऐसे कैसा? प्लस इनटू प्लस प्लस, प्लस इनटू माइनस माइनस, प्लस इनटू माइनस माइनस। क्लियर है बेटा? प्लस इनटू प्लस प्लस। नेक्स्ट स्टेप प्लस इनटू माइनस माइनस, प्लस इनटू माइनस माइनस। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट स्टेप बेटा एक्स वाले इकट्ठे कर लो, वाई वाले इकट्ठे कर लो, जेड वाले इकट्ठे कर लो। बेटा सभी ध्यान दो, एक्स का एक्स नेक्स्ट माइनस 2x नेक्स्ट प्लस 5x। क्लियर है? अब बेटा वाई वाले इकट्ठे करेंगे, माइनस का 3y प्लस का y माइनस का 2y। क्लियर है बेटा? इसके बाद जेड वाले प्लस का 4z नेक्स्ट बेटा माइनस का 8z नेक्स्ट बेटा माइनस का 3z। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप सभी ध्यान देंगे बेटा, प्लस का 5 प्लस का 1, 5 प्लस 1 हाउ मच? 6x। माइनस करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। क्लियर है? आगे ध्यान देंगे बेटा, -3 -2, 3 और 2 5, दोनों किसके हैं? माइनस के हैं, प्लस का y। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट स्टेप प्लस का 4z। सभी ध्यान देंगे, -8 -3, दोनों किसके हैं? -8 और 3 हाउ मच? 11z। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप 6 में से 2 गया 4x, बड़ा कौन है? प्लस का।
पांच में से एक गया चार वाई, बड़ा कौन है माइनस का। इन द सेम वे 11 में से फोर गया दैट इज सेवन, बड़ा कौन है माइनस का। ओके बेटा, इससे ज़्यादा मैं सोल्व नहीं कर सकता क्योंकि हमारे वेरिएबल्स अलग हैं एक्स वाई जेड, सो दिस इज द आंसर। क्लियर है बेटा? आईबा सेवन में सुना, वी आर डूइंग मोर पार्ट्स, जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड बेटा, फोकस। दीज आर द नेक्स्ट टू पार्ट्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी बेटा, पार्ट नंबर सिक्स और पार्ट नंबर नाइन। बेटा सभी ध्यान देंगे, पार्ट नंबर सिक्स हमको दिया गया है दिस कोमा दिस कोमा दिस। मैंने आपको बेटा क्या बताया था, कोमा को उठा के क्या लगाएंगे प्लस, क्या लगाएंगे ब्रैकेट। कोमा को उठा के क्या लगाएंगे प्लस, क्या लगाएंगे ब्रैकेट। बेटा नेक्स्ट स्टेप हम ओपन करते हैं ब्रैकेट, 2x² माइनस 3y² ऐसे क्या ऐसा, प्लस इंटू प्लस प्लस, 5x² प्लस इंटू प्लस प्लस, 6y² प्लस इंटू माइनस माइनस, 3x² प्लस इंटू माइनस माइनस, 4y². क्लियर है बेटा? अब बेटा सभी ध्यान देंगे, x वाले इकट्ठे करो, 2x² प्लस का 5x² माइनस का 3x². क्लियर बेटा? इसके बाद y वाले इकट्ठे करो, माइनस का 3y² प्लस का 6y² माइनस का 4y² क्लियर है बेटा? पहले एक्स स्क्वायर वाले और फिर वाई स्क्वायर वाले। अब बेटा सोल्व करेंगे, सभी ध्यान दो, पाँच और दो सात, सात में बेटा गया एक्स स्क्वायर माइनस का क्या है 3x², क्लियर है? पहले हम सोल्व करें प्लस वाले, क्लियर है? अब ध्यान दो बेटा, माइनस का 3 माइनस का 4, चार और तीन सात, बेटा क्या आएगा साथ में वाई स्क्वायर, क्या बच गया प्लस का 6y², क्लियर है बेटा? सभी ध्यान देंगे, सात में से तीन गया चार, साथ में क्या आएगा एक्स स्क्वायर, बड़ा कौन है प्लस का। क्लियर है? सात में से छः गया एक, बड़ा कौन है माइनस का। दिस इज द आंसर। क्लियर बेटा? क्योंकि मैं इससे ज़्यादा सोल्व नहीं कर सकता क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों अलग अलग हैं। क्लियर है? नाउ फोकस पार्ट नंबर नाइन, मैंने सोल्व कर रखा आपके लिए, मैं समझाता हूँ बिल्कुल स्टेप वाइज अच्छे से। पहले वाला एज इट इज, कोमा टाया क्या लगाया प्लस, उसके बाद क्या लगाया ब्रैकेट। सेकंड वाला एज इट इज, क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप पहले वाला एज इट इज सोल्व करेंगे ब्रैकेट, प्लस इनटू माइनस माइनस, प्लस इनटू माइनस माइनस, प्लस इनटू माइनस माइनस, क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप एक्स वाले एक तरफ वाई वाले एक तरफ एक्स वाई वाले एक तरफ, सभी ध्यान दो, 8x/5 और 3x/2, क्लियर है? उसके बाद y वाले 11y/7 दूसरा 5y/3, क्लियर है? उसके बाद xy लास्ट में, क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप इन दो का अलग एलसीएम, इन दो का अलग एलसीएम, इन दो का अलग एलसीएम, क्लियर है? दोनों नंबर अलग हैं, 5 2 10, क्लियर है? एलसीएम कितना आ गया 10, 5 2 10, 8 2 16, 2 5 10, 3 5 15, क्लियर है? 7 3 21, 7 3 21, 11 3 33, 3 7 5 7 35, क्लियर है? 4 5 20, 9 5 45, 5 4 20, 9 4 36, क्लियर है? आगे देखो बेटा, 16 में से 15 गया 1, 1 को लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है, ठीक है? आप इसको इरेज भी कर सकते हो। 16 में से 15 गया 1, बड़ा कौन है प्लस का। 35 में से 33 गया 2, बड़ा कौन है प्लस का, सॉरी बड़ा कौन है माइनस का, सॉरी बड़ा किसका है माइनस, क्लियर है? 45 में से 36 गया कितना आएगा 9, बड़ा कौन है प्लस का, क्लियर है? इसके बाद आप ध्यान दे रहे हो एक्स वाई सभी अलग हैं, इसके बाद नो स्टेप, सो दिस इज द आंसर। क्लियर है बेटा? आपको प्रॉपर वे में ब्रैकेट ओपन करना है, एलसीएम लेना है, एक्स वाई वाले एक साथ करने हैं, एक्स वाले एक तरफ वाई वाले एक तरफ बाकी एक तरफ, उसके बाद प्लस माइनस करना है। क्लियर है बेटा? सो नाउ आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 2, सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा सभी पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या है हमारा, सब्ट्रैक्ट। हमको बेटा क्या करना है, माइनस करना है। बेटा हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जब भी क्वेश्चन आता है किसका, फ्रॉम का, तो बेटा हम क्या करते हैं फ्रॉम के बाद वाला कहाँ लिखते हैं बेटा, पहले।
फ्रोम की जगह माइनस, और फ्रोम के पहले वाला क्या लिखेंगे बेटा बाद में बाय यूजिंग ब्रैकेट। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फ्रोम के बाद वाला पहले, फ्रोम की जगह माइनस, और फ्रोम के पहले वाला बाद में। क्लियर है? नेक्स्ट 7xy माइनस माइनस प्लस हाउ मच 8xy, चेक करो आगे सोल्व हो सकता है या नहीं हो सकता। xy हम सोल्व कर सकते हैं, 7 + 8 हाउ मच 15, साथ में क्या आ जाएगा xy, दिस इज द आंसर। क्लियर है? फोकस सेकंड, मैंने आपको अभी बताया फ्रोम का बाद वाला, फ्रोम के बाद वाला क्या लिखेंगे पहले। क्लियर है? फ्रोम की जगह माइनस, पहले वाला बाद में बाय यूजिंग ब्रैकेट्स। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप 4y माइनस 5x, ओपन करेंगे ब्रैकेट को, माइनस इंटू प्लस माइनस का x, माइनस इंटू माइनस प्लस हाउ मच y। क्लियर है? माइनस का 5x माइनस का x। क्लियर है? एक्स वाले पहले कर लिए, बाद में क्या करेंगे वाई वाले, प्लस का 4y प्लस वाई। क्लियर है? 5 और 1 6 दोनों किसके हैं माइनस। क्लियर है? 4 और 1 5 दोनों किसके हैं प्लस। सो दिस इज द आंसर। क्लियर है बेटा? आई बात समझ में? आगे चलेंगे बेटा पार्ट नंबर 5, हमको क्या करना है फ्रॉम के बाद वाला पहले, 2x² माइनस 3y² प्लस 6xy, फ्रोम की जगह माइनस, फ्रोम के पहले वाला बाद में x² माइनस y² क्लियर है? इसके बाद 2x² माइनस 3y² प्लस 6xy एज इट इज, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। क्लियर है? x² वाले एक साथ कर लो, 2x² माइनस x², आप इकट्ठे करो y² वाले, माइनस का 3y² प्लस का y². क्लियर है? xy वाला अकेला है, लास्ट में लिख दो। क्लियर है? सोल्व करेंगे, दो में से एक गया एक, बड़ा कौन है प्लस का। क्लियर है? 3 में से 1 गया 2, क्लियर है? बड़ा कौन है माइनस का, साथ में क्या है प्लस का 6xy। सो दिस इज द आंसर। क्लियर है बेटा? आई बात समझ में? दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ सब्ट्रैक्शन, बाकी के 3 पार्ट्स आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं, उसके बाद आपको पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ से मैच कर लेना। क्लियर है? सो नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 3, फोकस ऑन द बोर्ड स्टूडेंट्स। बेटा फोकस, दिस इज द बेटा क्वेश्चन नंबर 3। बेटा क्वेश्चन नंबर अच्छा क्वेश्चन है, आपको बड़ा ध्यान से पढ़ना है। सब बेटा सभी पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्ट दिस, बेटा हमको क्या करना है, इसको करना है सब्ट्रैक्ट, किसमें से, फ्रॉम द सम ऑफ, मतलब बेटा मुझे क्या करना है सम करना है, मुझे करना है प्लस, किसको, दिस प्लस दिस प्लस दिस। मतलब बेटा मैं क्या करूँ, पहले मैं निकालता हूँ दिस प्लस दिस प्लस दिस। क्लियर है? उसके बाद मैं क्या करूँगा सब्ट्रैक्शन। क्लियर है? तो बेटा फर्स्ट में हम क्या करेंगे, क्या निकालेंगे सम, किसका, इसका इसका और इसका। क्लियर है? मैंने आपको बताया था कोमा को उठा के लगाएंगे प्लस, कोमा को उठा के लगाएंगे प्लस। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन, कैसे, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू प्लस प्लस। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप ए वाले एक तरफ, बी वाले एक तरफ, सी वाले एक तरफ, ध्यान दो सभी, ए 4a माइनस ए। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप 3b माइनस बी 2b, 3b माइनस बी 2b। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप माइनस का 4c प्लस का 9c प्लस का 3c। क्लियर है? आई बात समझ में? नेक्स्ट सभी ध्यान देंगे, 4 और 1 5 माइनस वाला एज इट इज, 3b एज इट इज, 2 और 1 3 दोनों किसके हैं माइनस के। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप 9 और 3 12 दोनों किसके हैं प्लस, माइनस वाला एज इट इज। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप 5 में से 1 गया 4 क्लियर, प्लस का 3 माइनस का 3 क्या हो गया कट,
12 में से 4 गया 8, बड़ा कौन है, प्लस का, क्लियर है। सो दिस इज द व्हाट फर्स्ट स्टेप, हमने क्या किया, हमने कर लिया सम, किसका, इसका, इसका और इसका। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्शन, सभी ध्यान देंगे, सब्ट्रैक्ट दिस दिस फ्रॉम, हमने क्या किया, तीनों का सम निकाल लिया, कितना आया 4a plus 8c। अब हमें क्या करना है, इसको करना है सब्ट्रैक्ट, किसमें से, इसमें से, क्लियर है। मैंने लिख दिया इसको यहाँ पे, क्लियर है। इसके बाद मैंने आपको सिखाया था फ्रॉम के बाद वाला पहले 4a plus 8c, फ्रॉम की जगह माइनस, फ्रॉम के पहले वाला बाद में बाय यूजिंग ब्रैकेट, क्लियर है। आई बात समझ में, फ्रॉम के बाद वाला पहले, फ्रॉम की जगह माइनस, फ्रॉम के पहले वाला बाद में बाय यूजिंग ब्रैकेट, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप ओपन द ब्रैकेट, 4a plus 8c, प्लस इंटू माइनस, माइनस, माइनस इंटू माइनस, प्लस, माइनस इंटू प्लस, माइनस, क्लियर है बेटा। आगे ध्यान दो, 4a में से 2a गया, हाउ मच, 2a, बड़ा कौन है, प्लस का, क्लियर है। b अकेला है, प्लस का 3b, क्लियर है। 8 में से 4 गया, 4c, बड़ा कौन है, प्लस का, सो दिस इज द आंसर, क्लियर बेटा। आई बात समझ में, आपको पहले तीनों को प्लस करना है और प्लस करने के बाद आपको सब्ट्रैक्शन करनी है, क्लियर है। सो नाउ आई एम डूइंग नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकस ऑन द बोर्ड बेटा, लुक ऑन द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 बेटा आर फॉर योर सेल्फ प्रैक्टिस, आपको खुद ट्राई करने हैं, ट्राई करने के बाद आपको अपने आंसर मैच करने हैं फ्रॉम द PDF, क्लियर है। द फोकस क्वेश्चन नंबर 6, हमको क्या करना है बेटा, सिंप्लीफाई, मतलब बेटा हमने अभी भी सीखा था ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना, बेटा हमको क्या करना है, दोनों एक साथ अप्लाई करने हैं। बेटा ध्यान दो सभी, 5x माइनस 9y एज इट इज, माइनस इंटू माइनस, प्लस, हाउ मच, 7x माइनस इंटू प्लस, माइनस, हाउ मच, y, क्लियर है। नेक्स्ट है बेटा x वाले एक साथ, उसके बाद y वाले एक साथ, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप 7 और 5 12x, 9 और 1 10y, दोनों किसके हैं, माइनस के, सो दिस इज द आंसर, क्लियर है, इजी। फोकस क्वेश्चन 3 बेटा, हमको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में पहले सोल्व करो ब्रैकेट्स, बाद में हम आगे चलेंगे। बेटा सभी ध्यान देंगे, 7 माइनस 2x प्लस 5y, क्लियर है, ऐसे का ऐसा। इसके बाद हम बेटा सोल्व करेंगे ब्रैकेट, माइनस इंटू प्लस, माइनस साथ में x, माइनस इंटू माइनस, प्लस साथ में y, क्लियर है, ब्रैकेट सोल्व हो गया। आगे चलो, माइनस इंटू प्लस, माइनस का 5x, माइनस इंटू प्लस, माइनस का 3y, क्लियर है। माइनस इंटू माइनस, प्लस, हाउ मच, 7, क्लियर है। अब उठाओ x वाले, फिर उठाओ y वाले, फिर उठाओ नंबर, जैसे कि पहले माइनस का 2x, माइनस का x, माइनस का 5x, इजी। नेक्स्ट 5y, क्लियर है, 5y, नेक्स्ट y, नेक्स्ट माइनस का 3y, क्लियर है। क्या बच गया, 7 और 7, 7 प्लस 7, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप सभी ध्यान देंगे, माइनस माइनस माइनस, तीनों किसके हैं, माइनस के, 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, क्लियर है। आगे चलेंगे बेटा, 5 और 1 6, दोनों किसके हैं, प्लस, माइनस का 3, बाद में सोल्व करेंगे, 7 प्लस 7, हाउ मच, 14, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप x वाला एज इट इज, 6 में से 3 गया 3, बड़ा किसका है, प्लस, प्लस का 14, सो दिस इज द आंसर, क्लियर है बेटा। आई पास ऑन में, इजी। तो इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या था, पहले सोल्व करेंगे ब्रैकेट, बाद में सोल्व करेंगे आगे, क्लियर है। सो इन दिस वे वी हैव डन आवर एक्सरसाइज नंबर 6A। सो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।